किटी का फोन आया है। हेलो किटी, इरशाद। इरशाद क्यों कह रहे हो हनी? क्योंकि तुम्हारी हर बात मुझे शायरी जितनी अच्छी लगती है। तुम स्पीच देती हो ना, तो मुझे मुशायरे वाली फीलिंग आती है। थैंक यू हनी, ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत है मुझे, क्योंकि कल मेरा कॉम्पिटिशन है। मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे यार किटी, अगर ऐसा है तो हम अभी तुम्हारे घर आते हैं। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एंड ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये खन्ना साहब बिना कहीं भी कोई भी पौधा उगाते हैं। किटी, हम आ गए। हेलो किटी, हम तुम्हें मोटिवेट करने आ गए। हेलो दोस्तों। पिंपल क्या? सिंपल सिंपल, कल का कॉम्पिटिशन बहुत सिंपल होगा तुम्हारे लिए। मुझसे बड़ा तो किटी को पिंपल हुआ है। इतना बड़ा पिंपल हुआ है कि इसका भी राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। कोई शक? किटी की खुशी देखकर लगता है उसे पिंपल के बारे में नहीं पता। अगर उसे पता चला तो कल के कॉम्पिटिशन के लिए उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो फिर किटी को ये पता नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं पता लगना चाहिए? यही कि तुम्हारी पिंपल। डिंपल डिंपल, तुम्हारे डिंपल बहुत क्यूट हैं। लेकिन मेरे तो डिंपल है ही नहीं। सोचो, डिंपल है नहीं तो कितनी क्यूट लगती हो? होते तो कितनी क्यूट लगती। शायद ये नहीं चाहते कि पिंपल की बात मुझे पता चले। हाउ स्वीट, थोड़ी मस्ती हो जाए। तुम लोग रुको, मैं बस थोड़ा मेकअप करके आई। आईना, जोरदार आईना हटा, मैं ध्यान भटकाता हूँ। आइडिया, सॉरी गलती से गिर गया। संभाल कर बनी। जोरदार के साथ रहकर मैं भी जोरदार जैसे लगने लगी हूँ। जस्ट जोकिंग गाइस। वास से तुम्हारी क्या दुश्मनी है बनी? चलो मेकअप तो हो गया, अब मैं बहुत थक गई हूँ। हनी मेरे लिए पानी ले आओ। पानी के रिफ्लेक्शन से किटी को पिंपल दिख सकता है। किटी कॉफी पियो, हनी कॉफी बहुत अच्छी बनाता है। कल मेरे लिए बनाया था, मैं तो उंगली चाटता रह गया। क्यों? क्योंकि उंगली जितनी ही बनाई थी ना। मैं अभी लाया। ट्रे में चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पोपट, ये क्या किया? अच्छा हुआ गिर गई कॉफी। कॉफी वैसे भी नुकसान करती है,
कॉफी की वजह से मेरे दादाजी के दांत टूट गए थे। कैसे? किसी चील की कॉफी छुड़ा कर पियेंगे तो दांत तो टूटेंगे ही ना। मैं बस अभी आई। यहाँ तो हर तरफ रिफ्लेक्शन है। किटी अपना चेहरा फर्श पर देख सकती है। आइडिया। तुम लोग ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे फेस पे पिंपल देख लिया हो। हाँ। क्या? हंस रहा था हनी। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आ सकता है लेकिन तुम्हारे फेस पे पिंपल कभी नहीं आ सकता। मूड चेंज करने के लिए ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं। किटी की आंख में पट्टी लगाओ और जब तक सबको आउट नहीं करोगी पट्टी नहीं निकालना। तुम्हारा ध्यान किधर है किटी? हम यहाँ हैं। तुम्हें मुझे पकड़ना है किटी। मैं आउट। मैं भी पकड़ा गया। ब्लाइंड फोल्ड गेम की प्रो प्लेयर है किटी। ब्लाइंड फोल्ड गेम का घटिया आइडिया इस जोरदार का था। तो करना पड़ता ना, तेरी तरह पंख पे पंख रखकर तो नहीं बैठ सकता था। मैं कुछ बोलूं? तू चुप कर, तेरे बोलने से ही गड़बड़ होती है। अरे किटी कहाँ गई? बाहर। तो बोला क्यों नहीं? नहीं तो बोला चुप कर, मैं तो वही बताने वाला था भाई। किटी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, चलो। अरे दो जन को पकड़ लिया, बाकी दो भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हमें किटी को यहाँ से ले जाना होगा। हनी तू इधर जा, जोरदार तू इधर। इतने सारे मैं यहाँ अकेले बात करूँ ना तो भी ग्रुप डिस्कशन होगा। चुप कर और किटी को ढूंढने में हमारी मदद कर। अरे यार किटी को ढूंढना है, चलो। अरे चारों ओर दरवाजे हैं, ओरिजिनल कौन सा है? सही मौका है, हनी को ना सही उसके रिफ्लेक्शन को टपली मार देता हूँ। अरे सॉरी। आइडिया, सारे कांच तोड़ दो तो असली दरवाजा मिल जाएगा। देखो दरवाजा उधर है। किटी को देखा? नहीं।
बहुत खेल लिया हाइड एंड सीक, अब मैं पट्टी निकाल रही हूँ। नहीं किटी, नहीं किटी। बच गए। अंधेरा क्यों कर दिया? तुम लोग इतनी अजीब हरकतें करना बंद करोगे? किटी चिल्लाना मत, संभालो अपने आप को। हाँ, टैक्सी प्लेन और पिंपल आते जाते रहते हैं। अरे पोपट के तो बचपन से पिंपल हैं। ये देखो लाल लाल, वो चोच है मेरी, कुछ भी बोलता है। दोस्तों मुझे पता है कि मुझे पिंपल आया है, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। लेकिन आज एक पिंपल की वजह से मुझे पता चल गया कि मेरे दोस्तों को मेरी कितनी फिक्र है। किटी तुम्हें पिंपल से प्रॉब्लम नहीं है? पर ये तो सिर्फ एक पिंपल है। लेकिन कल तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, पिंपल की वजह से तुम्हारा कॉम्पिटिशन खराब हो गया तो? कल मेरा मेहंदी कॉम्पिटिशन है, उसमें फेस का कोई काम नहीं होता। अरे यार, फिर तो हम फालतू में टेंशन ले रहे थे। तो आओ फिर सोनू के साथ एक सेल्फी लेते हैं। सोनू कौन? पिंपल का नाम रखा है मैंने। चीज़। चीज़।